अगर आपके फोन की बैटरी तेजी से 15% से 1% पर आ जाती है तो इसकी दो वजह हो सकती है, या तो आपकी बैटरी बहुत पुरानी है या खराब है। कभी कभी 20% बैटरी बची होती है लेकिन फोन एक जरूरी कॉल के बीच में अचानक बंद हो जाता है। इन सब चीजों से पता चलता है कि बैटरी खराब हो चुकी है और आपको इसे बदल देना चाहिए। अगर आपका फोन 1% बैटरी पर भी काफी समय तक चलता है तो इसका मतलब है कि इसकी बैटरी में अनुमान से ज्यादा क्षमता बची है। हालांकि आजकल इस्तेमाल होने वाली आधुनिक बैटरी न तो पूरी तरह चार्ज होती है न ही खत्म होती है। आप आसानी से बैटरी की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले आप विजेट के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं। काफी सारे विजेट्स ऐड करने से बचें और उन विजेट के इस्तेमाल को कम करें जिन्हें जानकारी को अप टू डेट रखने के लिए काफी डेटा की जरूरत होती है। फिर भी अगर आपको इस बात की कोई वजह नजर नहीं आ रही है कि आपके फोन की बैटरी इतना जल्दी खत्म क्यों हो रही है तो आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि कोई आप पर और आपके डेटा पर नजर रख रहा हो। मैं सब कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैं एक फोनी हूँ, ठीक उसी तरह जैसे फूडी होता है, मैं फोन का फोनी हूँ। अरे हंसना बंद भी कीजिए। आपका फोन कई वजहों से गर्म हो सकता है जिसमें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, बैकग्राउंड में एप्स का चलना, खराब सॉफ्टवेयर, मैलवेयर या फोन को ज्यादा गर्मी या धूप में रखना शामिल है। कभी कभी इसका गर्म होना चलता है लेकिन अगर यह लगातार गर्म हो रहा है तो इसके पीछे कोई गंभीर समस्या हो सकती है। अगर सर्दी के मौसम में घर से निकलने के बाद आपके फोन की बैटरी 0% हो जाती है तो आपको सेटिंग्स में बैटरी हेल्थ को चेक करने की जरूरत है। किसी भी रिचार्ज होने वाली चीज की तरह फोन की बैटरी भी समय के साथ कमजोर होने लगती है। अगर बैटरी हेल्थ 85% से कम है तो आपको बैटरी बदल देनी चाहिए, वरना जब भी बाहर सर्दी होगी आपकी फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी। अगर आप नया फोन लेने के बाद भी अपने पुराने फोन को बुरे वक्त के लिए बचाकर रखना चाहते हैं तो उसे चार्ज करते रहें। कम चार्जिंग से इसकी बैटरी लाइफ पर फर्क पड़ सकता है। गेम कंसोल, लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे गैजेट्स जो चार्ज होते हैं उन्हें भी चार्ज करते रहना चाहिए। अगर आप चार्ज करते हुए अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं तो इससे बैटरी कंफ्यूज हो सकती है। जैसे फोन थोड़ा सा चार्ज होगा, फिर आप ऐप या जो भी चला रहे होंगे वह बैटरी खर्च करेगा और चार्जर फिर से बैटरी को चार्ज करेगा। इन चीजों से बैटरी पर फर्क पड़ता है और उसका जीवन काल कम होता है। आप उन सभी एप्स को बंद करके अपनी बैटरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिन्हें आप कभी कभी खोलते हैं और बंद करना भूल जाते हैं। कुछ एप्स आपके फोन के जीवन काल पर असर डालते हैं। इनमें से ज्यादातर सोशल मीडिया एप्स होते हैं, फिर भी यह एंड्रॉइड में अच्छे काम करते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड में कितने एप्स चल रहे हैं, बशर्ते वह सोशल मीडिया एप्स न हो, यह बैटरी खाते हैं। साथ ही कोई भी ऐप आपकी बैटरी की खपत को कम करने में मदद नहीं करता है, तो स्टोरेज यूसेज को चेक करने वाले और आपकी फोन मेमोरी को साफ करने वाले ऐप कभी किसी काम नहीं आते हैं। आप वह सभी चीजें खुद कर सकते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। आईफोन इस्तेमाल करने वाले लोग जानते हैं कि उनकी फोन की मेमोरी जल्दी खत्म होती है और अगर आप कुछ फाइल डिलीट करते हैं तब भी इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सेटिंग्स में जाएं, आईफोन स्टोरेज में जाएं और देखें कि हाल ही में डिलीट की गई फोटो असल में डिलीट कर दी गई है। अगर वह डिलीट नहीं हुई है तो उसे स्टोरेज सेक्शन में जाकर डिलीट करें। ध्यान दें, आपके मैसेज में बड़ी फाइल हो सकती है। आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि आपके फोन में मैसेज कितने दिन तक स्टोर रहेगा। अगर आपके पास आईफोन है तो मैसेज हिस्ट्री में जाएं, कीप मैसेज बटन पर क्लिक करें। यह डिफॉल्ट रूप से फॉरएवर होगा लेकिन आप मैसेज को 1 साल या यहां तक कि 30 दिन के लिए रख सकते हैं। अपने फोन की ऑपरेटिव मेमोरी को रिफ्रेश करना न भूलें ताकि आपका फोन बेहतर तरीके से और तेजी के साथ काम करे। सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल, एक्सेसिबिलिटी, असिस्टिव टच पर जाएं और इसे टर्न ऑन करें। प्लस पर प्रेस करें, फिर माइनस पर प्रेस करें और फिर पावर बटन पर क्लिक करें। आपको पावर ऑफ बार नजर आएगा। असिस्टिव टच पर प्रेस करें और होम बटन को होल्ड करें। बस हो गया। अगर आपको यह करने के बाद इंटरपास नोटिफिकेशन नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपने ठीक किया है। एंड्रॉइड के साथ यह और भी आसान है। इसमें आमतौर पर रैम सेक्शन में क्लियर मेमोरी बटन होता है। बेहतर होगा अगर आप अपने फोन को कार में चार्ज न करें। कारों में आमतौर पर उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती जितनी किसी फोन को चार्ज करने के लिए चाहिए होती है। अगर आप एक लो पावर यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके गैजेट उतनी तेजी से पावर खींचना शुरू कर देंगे जितना आपका पोर्ट हैंडल नहीं कर पाएगा। इससे आपका चार्जर भी खराब हो सकता है।
आखिर में आपका फोन भी चार्ज नहीं होगा। आपको कार में फोन चार्ज करने से बचना चाहिए, लेकिन रेंटल कार में ऐसा कभी भूल कर भी ना करें। वहाँ USB पोर्ट आमतौर पर पब्लिक होता है, तो साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखें। अपने चार्जर को सेफ रखने के लिए आप अपना खुद का अडैप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी ट्रेन स्टेशन पर अपने फोन को चार्ज न करें। कभी कभी ट्रेन में कुछ घंटे खिड़की के बाहर देखते हुए बिताना ट्रेन में चढ़ने से पहले ट्रेन स्टेशन पर अपना फोन चार्ज करने से बेहतर होता है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर जूस जैकिंग की बड़ी समस्या है। आपके डेटा को USB पोर्ट से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फोन को चार्ज करने के लिए आपका घर भी खतरनाक हो सकता है। हालांकि केवल खास मौकों पर ही फोन चार्ज करने से बचें, जैसे बिजली का चमकना। कभी आंधी तूफान में अपने फोन को चार्ज न करें, इससे वोल्टेज ऊपर नीचे हो सकती है, जो आपके गैजेट के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपके सिम कार्ड से आपको ट्रैक किया जा सकता है। आपके सिम कार्ड को अकेले ट्रैक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए IMEI नंबर की जरूरत होती है। अगर आपका मोबाइल फोन ऑन है तो IMEI नंबर पास के सेल टावर पर ट्रांसमिट होगा। आपको सिम कार्ड से ट्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके आईफोन में वो सभी जगह दर्ज होती हैं जहां आप हाल में गए होते हैं। इसे चेक करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी, फिर लोकेशन सर्विसेज, फिर सिस्टम सर्विसेज। आपका फोन फ्रीक्वेंट लोकेशन से आपकी पसंदीदा जगहों को कलेक्ट करता है। एंड्रॉइड भी ऐसा ही करते हैं। इसके लिए गूगल मैप्स में लोकेशन हिस्ट्री खोलें। आपके फोन को कैफे में चार्ज न करें, यहाँ पर भी जूस जैकिंग का खतरा बना रहता है। इसके अलावा USB पोर्ट भी इतने पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप एक USB पोर्ट की जगह रेगुलर प्लग का इस्तेमाल करते हैं तो यह पूरी तरह सेफ होता है। ये सही नहीं है कि 4G 3G से ज्यादा डेटा खाता है। जो पेज आप लोड करते हैं वो समान होते हैं, अब चाहे आप 4G इस्तेमाल करें या 3G। ये एक पिज्जा के जैसा है। अगर कोई आदमी दूसरे आदमी से जल्दी पिज्जा खाता है तो यह मुद्दा स्पीड का है, न कि पिज्जा के साइज का। यही 5G के साथ भी होता है। अब मुझे भूख लगने लगी है। इसके अलावा अगर आप मुझ जैसे एक फोनी को एक फूडी से मिलाएंगे जिसे सैंडविच मीट खाना पसंद है, तो यह हो जाएगा फोनी बलोनी। मजाक था भाई। अपने डेटा यूसेज को कंट्रोल करने के लिए आप यह कर सकते हैं, उन एप्स को बंद करें जो काफी डेटा इस्तेमाल करते हैं। अपने किसी भी क्लाउड पर फाइल की ऑटोमेटिक अपलोडिंग को बंद करें। अगर आप कुछ म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड करें। स्ट्रीम करने से डेटा जल्दी खत्म होता है। आपका आईफोन टाइमर जितना दिखता है उससे ज्यादा मददगार होता है। अगर आप अपने पसंदीदा म्यूजिक या दूसरी YouTube वीडियो देखते हुए सोना पसंद करते हैं जैसा कि मैं करता हूं, तो क्लॉक पर जाएं, टाइमर पर टैप करें और When the time ends सेक्शन पर क्लिक करें। तब तक स्क्रॉल करें जब तक आपको स्टॉप प्लेइंग बटन नहीं दिख जाता। यह फीचर सभी मीडिया एप्स जैसे म्यूजिक, कोई विंडो जो साउंड या वीडियो चलाती है, यहां तक कि YouTube ऐप को बंद कर देता है। अगर आप कभी रात को 3 बजे किसी अनजान वीडियो के ऑटो प्ले होने पर जागे हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आईफोन के लिए टाइमर बटन पर टैप करें और उसे होल्ड करें, वो जिसे आप स्वाइप अप करने पर फास्ट एक्सेस मेनू में देखते हैं। आपको एक टाइम स्केल नजर आएगा जिसे आपको स्लाइड करना होगा। इसकी सिर्फ एक कमी है कि आप 1 मिनट से कम और 2 घंटे से ज्यादा समय के लिए टाइमर सेट नहीं कर सकते हैं। यही फ्लैश लाइट के साथ भी काम करता है। ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए इस बटन को टैप या होल्ड करें। आप मेमोरी नहीं होने पर भी फोटो ले सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अपनी कोई भी ऐप जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलिए और नई पोस्ट स्टार्ट करते हुए एक फोटो लीजिए। बस हो गया, पिक्चर कैमरा रोल में सेव हो जाएगी। आईफोन की कैमरा रोल बस आपके प्यारे पग की फोटो ही स्टोर नहीं करते हैं। राइट अपर कॉर्नर में सेलेक्ट पर टैप करें और फिर किसी भी पिक्चर पर क्लिक करें जिसकी आपको जरूरत है। लेफ्ट लोअर कॉर्नर में आपको एक एरो के साथ एक स्क्वायर नजर आएगा, इस पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करें और देखें आप क्या कर सकते हैं। इसे डुप्लीकेट करें, इसे वॉलपेपर पर इस्तेमाल करें या उन लोगों से हाइड करें जो दूसरों की जिंदगी में अपनी गर्दन घुसाते हैं। इसे हाइड करने का दूसरा तरीका यह है कि इसे मिनिमम साइज में कट करें। जब आपको इसकी जरूरत हो तो इसे ओरिजिनल में रिवर्ट कर लें। आपकी फोनी बलोनी दोस्त की तरफ से आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया होगा।